नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग प्रकरण तीसरा समांतर श्रेणी या अंकगणित की श्रृंखला भाग 6, इसमें हम प्रश्न संख्या 3.3 और 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, 3.3 के कुछ प्रश्न हैं और 3.4 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 3.3 का प्रश्न क्रमांक 9 है। तो हमें सबसे पहले समझना बच्चों कि हमारे व्यवहारिक जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और ये समस्याएं हम ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं जो समांतर श्रेणी पर आधारित होती हैं। तो समांतर श्रेणी के गुणधर्मों और सूत्रों का उपयोग करके ऐसी समस्याओं का हम हल कर सकते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमारे प्रश्न में कुछ जानकारियाँ दी होती हैं, उस जानकारियों का उपयोग हम सूत्र में करते हैं और सूत्र के द्वारा समीकरण बनता है और समीकरण हल करने के पश्चात जो उत्तर प्राप्त होता है वह हमारी व्यवहारिक जीवन की जो समस्या होती है, जो प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर होता है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आज आपके समक्ष में हल करके दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान दो, आपका 3.3 का 9वां क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 0 हो तो सिद्ध करो कि उसका 29वां पद उसके 19वें पद का दुगुना होगा। प्यारे बच्चों, हमारे क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई रहती है उसका संक्षिप्त विवरण हम पहले लिख लेते हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, दिया है 9वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 9वां पद यानी T9=0। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करो कि उसका 29वां पद यानी T29=, उसके 19वें पद का दुगुना यानी 2×19वां पद यानी T19। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं चीज़ों के आधार पर हमें अपने प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले आप सूत्र लिखोगे, चूंकि TN=A+(n-1)(d), इसलिए T9=A+(n-9)(d), इसलिए T9 का मान जो दिया है बच्चों आपको, T9 का मान दिया है 0=A^(9), अब 9 में से आप 1 घटाओगे तो 8 आएगा, A^8d, यानी आप A का मान लिख सकते हो बच्चों -8d, क्योंकि 0 में से 8 घटाओगे तो आपको -8d ही मिलेगा। तो इस प्रकार से यह आपका समीकरण नंबर 1 है। अब हम चलते हैं T29 की तरफ, लिखेंगे चूंकि TN=A+(n-1)(d), इसलिए T29=A+(n-1)(d). 29 × 1 × d। प्यारे बच्चों, अब यहाँ आप लिखोगे T29=A+(29) में से 1 घटाओगे आप तो आपका क्या आएगा, 28 आएगा, 28d। हमें A का मान प्राप्त हुआ है -8d, यहाँ लिखेंगे इसलिए T29=A का मान है -8d + 28d। ये आपको कहाँ से मिला, समीकरण 1 से आप लिख सकते हो, समीकरण 1 से आपने यहाँ पर लिखा बच्चों। उसके बाद आप लिख रहे हो T29 आपका क्या हुआ, 28d में से 8d घटाओगे तो आपको आएगा 20d, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं T29=2×10d, यह हुआ आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर आपका 2 है बच्चों। अब हम चलते हैं T19 के लिए, लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि TN=, हमारा सूत्र है तो इसका बार बार हम उपयोग करना ही पड़ेगा, यहाँ पर उस सूत्र का उपयोग है, तो पहले हम सूत्र लिखते हैं TN=A+(n-1)(d). अब हमें लिखना है इसे T19=A+(n-1)(19), 19 × 1 × d, इसलिए T19=A+(18d). प्यारे बच्चों, आपको A का मान पहले से मिला हुआ है -8, तो T19=A की जगह हम -8 रखेंगे, -8d है, +18d, आप यहाँ लिख सकते हो ये -8d आपको कहाँ से मिला, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
आप देख रहे हैं समीकरण एक में यहाँ पे लिखा है a बराबर माइनस एट डी, यहाँ पर लिखा है ध्यान दो, तो इसी मान को हमें प्रतिस्थापित करना है t19 में, इसलिए t19 बराबर अब 18d में से 8d आप घटाओगे बच्चों आपका आएगा 10d, और यह हुआ आपका समीकरण नंबर 3। अब हमें जो सिद्ध करना है उस पर ध्यान देंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण 2 और 3 से हमें एक संबंध प्राप्त होता है, इसलिए समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से यहां लिखे हम। अब समीकरण 2 और 3 से हमारा क्या संबंध प्राप्त हो रहा है, समीकरण 2 में क्या दिया है t29 बराबर 2 × 10d, और समीकरण 3 में क्या दिया है t19 बराबर 10d, यानी इस 10d की जगह पे हम t19 रख सकते हैं बच्चों, इसलिए क्या होगा t29 बराबर 2 × t19, और यही हमें सिद्ध करना था, यही चीज हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी का नवा पद शून्य हो तो सिद्ध करो कि उसका 29वां पद उसके 19वें पद का दुगना होगा। आप यहां देखिए 29वां पद उसके 19वें पद का दुगना होगा, यही हमारा सिद्ध करना था, इसको आप यहां उत्तर के रूप में भी यहां लिख सकते हो t29 = 2 × t19। तो प्यारे बच्चों यह आपका रहा 3.3 का नवा क्वेश्चन, अब इस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं, अपेक्षा है कि आप इसे अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक वीडियो को बार बार देख करके मुझे शुक्रवार तक व्हाट्सएप करेंगे। तो मैं प्रश्न आपको बदल रहा हूं, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद कौन सा पद बेटा, दूसरा पद शून्य हो तो सिद्ध करो कि उसका आठवां पद उसके पांचवें पद का दुगना हो। आया समझ में, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद शून्य हो तो सिद्ध करो कि उसका आठवां पद उसके पांचवें पद का दुगना होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यह नवे क्वेश्चन का घर काम है, आपका 3.4 का पहला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन ₹10, दूसरे दिन ₹11 तथा तीसरे दिन ₹12 इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी, तो हमें ये पता करना है कि सानिका ने 1 जनवरी 2016 को पहले दिन ₹10, दूसरे दिन ₹11, तीसरे दिन ₹12 और इस प्रकार से वो बचत करते रहे। अब हमें बताना है कि 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक सानिका ने कुल कितना बचत किया। प्यारे बच्चों आपको एक इंग्लिश की कविता याद होनी चाहिए, 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर एंड ऑल द रेस्ट है 31 एक्सेप्ट फरवरी 11। प्यारे बच्चों कविता ध्यान में रखो, कभी भी कौन से महीने में कितने दिन है ये पता करने के लिए आप तुरंत कंफ्यूज नहीं होंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा। अभी यहां पर रफ वर्क में बता रहा हूं कि 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। प्यारे बच्चों कितने के होते हैं 30 दिन, यानी 30 × 4 कितना हुआ 120। फरवरी आपकी 28 या 29 की हो सकती है, आप ये जानते हो, इसी के बारे में हमें ध्यान रखना है। एंड ऑल द रेस्ट है 31, कितने महीने में 2, 2, 4, 5, ऑल द रेस्ट कितने हो जाएंगे 7 × 31, 7 × 1 = 7 और 7 × 21 217। अभी फरवरी के बारे में हमें विचार करना है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं 29 दिन होते हैं, तो इसके लिए बहुत आसान है, जो वर्ष 4 से पूरी तरह से कट जाता है, जैसे कि 2016 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 × 5 = 20 और उसके बाद 4 × 4 = 16, आपको अच्छी तरह से इसमें कितना मिलेगा बोलो 504, भागफल कितना आएगा 504, मतलब आप भाग दे लो तो सिंपल चीज आपके लिए। अगर शेषफल शून्य आता है यानी उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होगी, तो हमारे प्रश्न में 2016 दिया है यानी फरवरी है 29 दिन की, अब ये हो गया लीप ईयर, अब कितना हो गया है इसको आप जोड़ोगे तो आपको 366 डेज मिलेगा, यानी सानिका जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कुल 366 दिन बचत करती है। किस प्रकार से, पहले दिन ₹10, दूसरे दिन ₹11, तीसरे दिन ₹12, इस प्रकार से, तो उसे उसका हमें कुल बचत ज्ञात करना है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे
पहला क्वेश्चन है 3.4 का, 3.4 का आपका पहला क्वेश्चन है, शाब्दिक प्रश्न है। यहां लिखेंगे जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2020 तक, 2016 तक सालिका की बचत। प्यारे बच्चों, यह मैं इसलिए लिख रहा हूं तो आपको अगर समांतर श्रेणी पता चल जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। तो पहले दिन है 10 रुपया, दूसरे दिन है 11 रुपया, तीसरे दिन है 12 रुपया, और इस प्रकार से उसकी बचत हो रही है। अब हमें क्या क्या जानकारी है उसको लिखेंगे। ए बराबर 10, डी बराबर 1, 11 में से आप 10 हटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और एन बराबर 366 हमने देखा ही, 366। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यस 366 यानी एस 366 हमें ज्ञात करना है, यानी 366 दिनों में सालिका की कुल बचत कितनी होगी। तो इसके लिए सूत्र है बच्चों, क्योंकि एस एन बराबर एन बटे दो बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में एन माइनस वन छोटा कोष्टक बंद गुणे टी, इसलिए 366 यस 366 बराबर एन की जगह 366 रखेंगे। यहाँ पे a का मान आपका है 10 प्लस एन का मान है 366 फिर 1 और d का मान है बच्चों 1, इसलिए s 366 बराबर 366 में 2 से भाग देंगे आपका 183 आएगा। यहाँ पर 2 वहाँ में 20 प्लस 366 में से आपने 1 घटाया 365 और 1 का गुणा किए तो 365 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर s 366 बराबर 183 गुणे 365 धन 20 385। अब बच्चों आप 385 और 183 में जरा सावधानी पूर्वक गुणा कर लेंगे, यही आपका उत्तर होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 385 गुणे 183, 385 है बच्चों 385, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 25 और 3 × 3 = 9, 2 = 11, फिर 8 × 5 = 40 हासिल 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68 हासिल 6, 8 × 3 = 24 और 6 = 30। अब एक का गुणा 5 में किए 5, 8 में किए 8 और 3 में किए तो 3, यहाँ पे 5, 0 में 5 जुड़े 5, 8 × 5 = 13 और 1 = 14, 8 × 5 = 13, 14 × 4 हासिल 1, 8 × 1 = 9, 1 × 10 की शून्य हासिल 1, 3 × 3 = 6, 1 = 7, 70455। यानी सालिका ने जनवरी 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक 70455 रुपये का बचत किया उसने, 70455 रुपये। तो इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, उत्तर आप सीधा यहाँ लिख दोगे, उत्तर लिखना जरूरी, इसलिए अंक होते हैं 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक सालिका की कुल बचत बराबर रुपये कितना है, 70455। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हल किया, और इसी पर आधारित आपको मैं गृह कार्य बहुत आसान दे रहा हूँ। सालिका ने 1 जनवरी 2020, आप इसको क्या कर देना, आपको 1 जनवरी 2020 कर दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहा हूँ आपको, 1 जनवरी 2020 को निश्चित किया कि उस दिन वो 5 रुपये, पहले दिन 5 रुपया और दूसरे दिन रुपये 6 और तीसरे दिन रुपये 7, इस प्रकार बचत करते रहना है। तो 31 दिसंबर 2020 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी, बहुत ही आसान जो मैंने आपको हल करके दिखाया उसी के ऊपर बेटा ये प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका रहा 3.4 के पहले प्रश्न का घर का। आपका दूसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये कर्ज लिया, उस पर रुपये 1360 देने का वादा किया, प्रत्येक किस्त के बाद रुपये 40 कम करते हुए कुल 12 किस्तों में कर्ज का भुगतान किया,
तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और अंतिम किस्त की राशि हमें ज्ञात करना है। पहली किस्त की और अंतिम किस्त की राशि हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो उसके बदले में ब्याज आप कहो या कुछ अतिरिक्त राशि हमें देनी पड़ती है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने 8,000 रुपये लिया था और 1,360 रुपये और दिया, यानी हम इसके बारे में विचार करें तो उस व्यक्ति ने कुल 9,360 रुपये वापस किया, यानी 1,000 रुपये और 1,360 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका दूसरा प्रश्न, व्यक्ति द्वारा लौटाई गई कुल राशि या कुल रकम आप कह लीजिए चलेगा, बराबर क्या होगा 8,000 धन 1,360 रुपये, यानी कितना होगा रुपये 9,360। अब क्या कहा गया बच्चों इसमें कि प्रत्येक किस्त के बाद रुपये 40 कम करते हुए जब कम होए, जब आपको ये पता चले प्रश्न में समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूं आपसे कि कम हो रहा है, नुकसान हो गया, क्षरण हो गया, हानि हो गया, मतलब आपको वहां पर अर्थ इस तरह से समझ में आए कि यहाँ पे कम हो रहा है, तो वहां पर हमेशा ऐसे प्रश्नों में हमेशा सामान्य अंतर कॉमन डिफरेंस या डी का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक किस्त के बाद रुपए 40 कम करते हुए उसने 12 किस्तों में कर्ज का भुगतान किया, तो पहली किस्त और अंतिम किस्त क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे अब यहाँ डी का मान लिखोगे, डी बराबर ऋण 40 लिखे, इकाई लास्ट में हम लिख देंगे चलेगा, और यन का मान है 12। अब हमें पता क्या करना है, पहली किस्त यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क और इसी के साथ साथ T12 यानी अंतिम किस्त पता करना है। तो सबसे पहले आपको यह जो कुल लौटाई गई कुल राशि है यह किसके बराबर है प्यारे बच्चों, यह S12 के बराबर है। आप कुल जो शब्द आएगा कुल लौटाई गई राशि वह क्या होता है आपका SN होता है, ये 12 किस्तों में लौटाया गया है इसलिए S12 हमको इसको कह रहे हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र लिखेंगे, चूंकि SN बराबर N बटे 2 बड़े कोष्टक में 2A प्लस छोटे कोष्टक में N माइनस 1 गुणे D बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ लिखेंगे इसलिए S12 बराबर N का मान 12 है, 2 A का मान कितना बच्चों, A का मान अब देखो मालूम नहीं है, 2A प्लस N का मान कितना है 12 ऋण 1 कोष्टक बंद गुणे D। अब यहाँ पर आपको S12 का मान है 9,360, हमने ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर S12 बराबर 9,360 है, 12 में 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 2A 12 में से 1 घटाए तो 11 प्लस 11D। अब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों में मैं 6 से भाग दे रहा हूँ तो क्या होगा 9,360 बटे 6 बराबर 2A प्लस 11D, यहाँ रीजन लिख दिए दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर अब यहाँ भाग देंगे अब कितना मिल रहा है 6 से काटो, 6 का 6 बच्चों 3 बचा 35 होगा, 6 पचे 30, फिर कितना बचा 3 और 6 छका 36, यहाँ शून्य बचा है शून्य बढ़ा दिए, यानी आपका है 1560 बराबर 2A प्लस 11D। डी का मान बच्चों दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखना मैं भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, डी का मान हमें कितना मिला है -40, तो 11 चौक 44 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -440 आया बच्चों आपका। अब यहाँ पे आपका 2A बराबर 1560 पक्षांतर करेंगे तो ऋण 440 दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो ये धन 440 हो जाएगा बच्चों, 440 इसको आपने जोड़ा तो आपका 2000 हो गया है बराबर 2A, यानी A बराबर हम लिख सकते हैं 2000/2, दोनों पक्षों में आपने 2 से भाग दिया, A का मान कितना है 1000 है। ये तो आपको पहली किस्त पता चल गई, अब हमें अंतिम किस्त पता करना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है अलवा पद कैसे याद करते हैं, क्योंकि TN बराबर A प्लस छोटे कोष्टक में N माइनस 1 गुणे D अलवा पद, इसलिए T12 बराबर A का मान है 1000 प्लस N का मान कितना है 12 ऋण 1 और D का मान है -40।
मान को सही सही प्रति स्थापित करेंगे बच्चों तो ही हम अपना सवाल सही से कर सकते हैं। तो हजार अब 12 से घटाएंगे 11 प्लस 11 गुणे माइनस 40 यानी T12 बराबर 1000 प्लस और माइनस का गुणा माइनस 11 चौक 44 440 आया। और बच्चों आप 1000 में से 440 घटाएंगे आपका आएगा 560। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा पहली किस्त, हमारे प्रश्न पूछा गया है पहली किस्त, तो पहली किस्त यानी A बराबर कितना है 1000 रुपया, आप ऐसा लिखेंगे 1000 रुपया। तथा अंतिम किस्त, अंतिम किस्त कौन सा है T12, अंतिम किस्त जिसे आप कहोगे T12 बराबर कितना है 560 रुपये। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसको आप ध्यान से वीडियो देखो और इसी पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य भी दे रहा हूँ, ध्यान दो। आपका गृह कार्य इस प्रकार से है, किसी व्यक्ति ने 8000 रुपये कर्ज लिया है, वहां पर मैं कर दे रहा हूँ आपको केवल 2000। उदाहरण के तौर पे ये है आपको घर का 2000 रुपये कर्ज दिया और उस पर वो 600 रुपये अतिरिक्त देता है, कितना दिया बच्चों 600 रुपये, 600 रुपये देने का वादा किया, प्रत्येक किस्त के बाद रुपये 10 रुपये कम देता है, हर किस्त अदा करने के बाद 10 रुपये अगली किस्त में वो कम देता है, कम करते हुए कुल 10 किस्तों में कर्ज का भुगतान किया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और अंतिम किस्त की राशि कितनी होगी, यही आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका ये 3.4 का जो दूसरा क्वेश्चन उसका एक घर का। तीसरा प्रश्न है आपका, सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष ₹5000 तथा दूसरे वर्ष ₹7000 और तीसरे वर्ष ₹9000 इस प्रकार निवेश किया गया, तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। प्यारे बच्चों यह भी बहुत आसान प्रश्न है, आप देखिए इसको मैं आपके समक्ष हल कर रहा हूं। यहां लिखेंगे सचिन का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश, यानी सचिन जो 12 वर्षों में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश करता है, अगर हम उसकी समांतर श्रेणी बनाए तो कैसे, तो पहले वर्ष वो 5000 जमा करता है, 5000, दूसरे वर्ष 7000 और तीसरे वर्ष 9000 और इसी प्रकार से वो 12 वर्षों तक जमा करता है। तो प्यारे बच्चों हमें 12 वर्षों में उसने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में कुल कितना निवेश किया है इसे ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। आपका ए बराबर कितना हुआ, पहली बचत जो है उसकी 5000 और डी सामान्य अंतर क्या हुआ, 7000 में से आप 5000 घटाएंगे तो 2000 आया, और कितने वर्षों में कहा जा रहा है 12 वर्षों में, तो कुल बचत 12 वर्षों में कुल बचत ज्ञात करने के लिए हमें S12 ज्ञात करना पड़ेगा, बस इतना सा ही आपका क्वेश्चन है। तो उसके लिए सूत्र है, चूंकि Sn बराबर n बटे 2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 गुणे t, इसलिए S12 बराबर n की जगह हम 12 रखेंगे, a का मान है बच्चों 5000 प्लस n का मान है 12 ऋण 1 और d का मान है 2000। यहां पर हम देखें मान को प्रतिस्थापित किए, इसलिए S12 बराबर 12 में 2 से भाग दिया 6, 2 × 5 = 10 यानी 5000 का दुगना किए तो 10000 हुआ, प्लस 12 में से 1 घटाए तो 11 में 2000 का हम पूरा करेंगे, 11 × 2000। फिर आगे हम देख रहे हैं S12 बराबर 6 बड़े कोष्टक में 10000 धन 11 × 22000, तो 10000 और 22000 बच्चों हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 32000, कितना मिलेगा 32000, और इस 32000 में हम कितने गुणा करेंगे 6 का, तो 3 जीरो तो है ही है आपके पास, 6 × 12 के 2 हासिल है, 6 × 3 = 18 = 19, यानी S12 बराबर कितना मिला आपको 1,92,000, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। सचिन द्वारा 12 वर्षों में
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में कुल निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में कुल निवेश बराबर रुपये 1,05,000 है आपका। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से रहा आपका एक तीसरा क्वेश्चन, और इसी तीसरे क्वेश्चन पे मैं आपको घर काम दे रहा हूं। आप ध्यान से देखिए और इसे हल करके मुझे शुक्रवार तक आप व्हाट्सएप करिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही संक्षिप्त परिवर्तन कर रहा हूं। सचिन का पहले वर्ष जो बचत है, मैं उसको बच्चों यहाँ पे मैं 3,000 लिख दिया, और दूसरे वर्ष कितना है उसका 5,000। आपको लगभग लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। और तीसरे वर्ष है उसकी बचत जो है, उसकी बचत है यहाँ पर तीसरे वर्ष 7,000 रुपये। तो इस प्रकार से उसने 10 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। फिर से प्रश्न सुन लो, सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष रुपये 3,000 तथा दूसरे वर्ष रुपये 5,000 और तीसरे वर्ष रुपये 7,000 इस प्रकार निवेश किया गया, तो सचिन ने 10 वर्षों में कुल कितना निवेश किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 3.3 और 3.4 के शाब्दिक प्रश्न मैं आपके समक्ष हल करके दिया, और इससे संबंधित आपको घर काम भी दिया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप खूब कड़ी मेहनत करोगे और शुक्रवार तक अपने घर काम पे नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करोगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।